आज जहां सिर्फ शौकीन लोग ही जीप अफोर्ड कर रहे हैं, तो वहीं ताज नगरी में एक घर ऐसा भी है जिसकी छत पर 13 साल से जीप खड़ी है। इसी को लेकर घर का नाम जीप वाली कोठी पड़ गई। हालत यह है कि कई बार जीप देखते हुए सड़क पर लोगों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। दरअसल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले इस परिवार ने अपनी छत पर कुछ अलग खूबसूरत पानी की टंकी लगवाने के लिए लुधियाना से कारीगरों की टीम बुलाई। कारीगरों ने इसके लिए सीमेंट की टंकी तैयार करने की बात कही। परिवार के हरप्रीत के मुताबिक 2005 में यह टंकी बनी थी। इस दौरान कारीगरों ने परिवार को छत पर आने से मना कर दिया था और छत का ऊपरी हिस्सा टेंट से ढक दिया। पूरा निर्माण होने के बाद इस टंकी को सरप्राइज की तरह दिखाया गया। वहीं क्षेत्र में यह कोठी जीप वाली कोठी के नाम से फेमस हो गई है। चंडीगढ़ से लोग आए थे, उन्होंने मतलब यहाँ पे आए और बना के चले गए। हमें उन्होंने देखने भी नहीं दिया, मतलब मना कर दिया था कि कोई ऊपर नहीं आएगा। एंड साइड साइड में पूरे टेंट बांध दिया था जिससे कोई देख जब बन गई तब आप लोगों को पता चला ये चीज बनी। हाँ, मतलब सरप्राइज जैसा था हमारे लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था हम नहीं आ सकते। अच्छा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि लोग एसी को देखते रह जाते थे और एक दूसरे गाड़ी में घुस जाते थे, एक्सीडेंट रोड से देखते हुए जब होने लगता होगा। जी, तो कुछ ये स्पेशल है ये, आपको कई बार आप लोग भी कहते होंगे, आपका मकान भी इसी नाम से जाना जाता होगा। जीप वाली कोठी कहते हैं यहाँ पे, तो मतलब हर जगह काफी लोग तो यहीं पे आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो यही एड्रेस दिया है, जीप वाली कोठी। जीप वाली कोठी तो यहीं पे आके रह जाते थे। और कोई भी अपने घर का एड्रेस देता होगा तो आपकी एड्रेस दे देता होगा। लैंडमार्क तो यही बना दिया इस एरिया का, अमेजोन वगैरह से भी लोग आते रहते हैं। 2004-05 में। अच्छा, तो लोग यहाँ आते होंगे यही दुकान आपकी एड्रेस पूछते हुए। हाँ, इसका बड़ा नाम नहीं है कि हमारा कि हमें जिप्सी वाली कोठी बजाना है, कार बजाना है, मकान है। ये बताओ कि खजानगढ़ साहब का वो खुल हॉस्पिटल खुल गया। अच्छा जी, खुल गया।